फाइनली गाइज, आप लोगों की हाई डिमांड पर ये वीडियो आ चुका है जहाँ पर हम फाइनली लॉन्च कर रहे हैं आर प्लेनेट का एथर माइनिंग पूल, जहाँ पर आप लोगों के लिए पैसिव इनकम का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे मंथली पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पर मार्केट चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, अप हो डाउन हो, आपको मंथली एक फिक्स अमाउंट के अंदर आपको पैसिव इनकम होती रहेगी, जो कि एक लाइफ टाइम की तरह है। और यहाँ पर कोई प्लान नहीं है, कोई MLM नहीं है, सिंपल सा एक माइनिंग पूल है। जिस तरह से आप लोग सिंपल सा कोई रिग बाय करके करते, उसी तरह से ये कम्युनिटी बेस्ड माइनिंग पूल होगा, जिसके अंदर कि आप यहाँ पे सिंपल सा अपने पोर्टफोलियो का कुछ ही परसेंटेज इन्वेस्ट करके यहाँ से एक लाइफ टाइम पैसिव इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको पूल ज्वाइन करना है या नहीं करना। बने रहेगा इस वीडियो के साथ में। अगर आप पूल ज्वाइन करते हैं या नहीं भी करते हैं तो टेलीग्राम पर फॉलो करके रखो, वहाँ पर भी हम कंटिन्यूसली ऐसी अपडेट शेयर करते हैं जो कि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो भी उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो माइनिंग पूल होने वाला है वो एथर माइनिंग का पूल होने वाला है। सिंपल सा हमने कई सारे वीडियोस आपको दे रखे हैं, जहाँ पर आप लोग किस तरह से वैक्स को बाय कर सकते हैं, किस तरह से रिग बाय कर सकते हैं सेल्फ, आप खुद की माइनिंग के लिए किस तरह से आप एलिमेंट एंड लैंड पैक बाय कर सकते हैं, और किस तरह से एथर के अंदर बड़ा वाला प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसी की सीरीज के अंदर ये नेक्स्ट वीडियो है, जहाँ पर आप लोगों को कम्युनिटी बेस्ड एक माइनिंग पूल क्रिएट किया है, जहाँ पर आप डेफिनेटली अपने स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट एंड पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आर प्लेनेट के बारे में, कई लोगों के कुछ डाउट्स होते हैं जो कि हमेशा मन के अंदर रहते हैं कभी भी किसी भी पूल के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, तो वो सबसे पहले क्लियर करने काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला कि प्रोजेक्ट पर किस तरह से बिलीव करें, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट एक अर्ली स्टेज में है। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर टीम का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो भी इनकी एक वर्किंग प्रोडक्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। कई सारे जो प्रोडक्ट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रोडमैप के अंदर दिखाते हैं कि हम इस क्वार्टर के अंदर ये रिलीज करेंगे, इस क्वार्टर के अंदर ये चीज़ें रिलीज करेंगे, बट ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर कम्प्लीटली मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वर्किंग प्रोडक्ट है इनके पास, स्टेकिंग का, गेम का, क्राफ्टिंग का, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर वर्किंग है। साथ ही साथ टीम की बात करें तो US के डेवलपर हैं। US के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि कितना बड़ा एंड कितना पुराना प्रोजेक्ट है, तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि ये लोग कितना लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं। एज इनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये जो पूरा जो आर प्लेनेट है वो 2050 तक चलने वाला है। यहाँ पर कोई भी रेफर इनकम नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है MLM की तरह, यहाँ पर सिंपल सा कुछ ही लिमिटेड जो NFTs हैं, जो लिमिटेड यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, रिक्स हैं, वो ही यहाँ पर मार्केट के अंदर जनरेट होंगे। उसके अलावा उसके बाद में कम्प्लीटली लाइफ में 2050 तक कोई भी नए मार्केट के अंदर रिक या एलिमेंट नहीं आने वाले। तब तक अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है, 2-3 महीने के अंदर अपन अच्छी माइनिंग पावर जनरेट कर ले, जिससे कि अपने को लाइफ टाइम वो माइनिंग होती रहेगी। माइनिंग पावर जो सपोज कीजिए कि आपके पास 1000 एथर पर आवर की माइनिंग पावर की रिग है, तो उसकी पावर कभी भी चेंज नहीं होगी, प्राइस चाहे किसी भी कैसा भी हो, चाहे डाउन हो या ऊपर जाए। इसके बाद में एक और चीज़ रहती है कि यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जो कि एक US बेस्ड एक्सचेंज है, एल्कोर एक्सचेंज, जहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम है। पूरे के पूरे एल्कोर एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ ट्रिलियम और एथर का ही मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी भी कम है, एक्सचेंज काफ़ी छोटा है। कल ने अगर ये बड़े एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। सिंपल सा अगर आप एग्जाम्पल लेके देखें तो जो ट्रिलियम कॉइन था, जो कि एलियन वर्ड्स का था, जहाँ पर कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये होबी तक भी लिस्ट हो सकता है या छोटे मोटे एक्सचेंज पर भी हो सकता, बट उन्होंने डायरेक्ट लिस्टिंग कर दी थी बाइनेंस एक्सचेंज पे, जहाँ पर हम लोगों ने, मेरे पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट था उसका 200x यहाँ पे हुआ था, और हमारे कई जो फॉलोअर्स हैं जो हमें रेगुलरली बिलीव करते हैं, उन लोगों ने $10-$10 लगा के $1,000-$2,000 तक भी बनाए हैं। तो इस तरह से आप लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसका भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा, और कंपेयर करें एलियन वर्ल्ड से तो ये कई गुना अच्छा प्रोजेक्ट है। टीम भी काफ़ी अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड डेवलपर हैं, और आने वाले टाइम के अंदर अभी तो इनकी लैंड पैक की सेल आने वाली है 1 महीने के अंदर, उसके बाद में कई सारे इनके यूज केस आने वाला। अभी ये इथर का ज़्यादा यूज केस नहीं है, तो आपको काफ़ी चीप प्राइस के अंदर मिल रहा, बट जैसे जैसे यूज केस बढ़ेगा तो आपको डेफिनेटली ये इथर का प्राइस भी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखेगा, और जो रिग हैं एलिमेंट्स हैं इनके भी प्राइस आपको काफ़ी ऊपर दिख सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट के बारे में यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें और हमें अच्छा सा अच्छा प्रॉफिट दे के जाएँ। तो इस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ ये चीज़
आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्कीम नहीं है, MLM नहीं है कि आप यहाँ पे कोई एक दिन में रिच बन जाओ, आप एक दिन में करोड़पति बन जाओ, ये वाली स्कीम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ फिक्स लिमिटेड रिक्स हैं जिनकी एक लिमिटेड अर्निंग होगी, जो भी यहाँ पर रिक्स हैं, जो भी मार्केट के अंदर रिक्स हैं, और इन लोगों ने कोई सेल वगैरह नहीं की है इनके कॉइन्स की, तो यहाँ पर ज़्यादा मार्केट में सप्लाई भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई हाई सेलिंग प्रेशर भी नहीं है। अगर थोड़ा छोटा मोटा और एक्सचेंज पर लिक्विडिटी आ जाए, थोड़े और छोटे मोटे एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए, डेफिनेटली अपने को अच्छा खासा बूम इसके अंदर देखने को मिलेगा। और आई एम श्योर, मैं ये चीज़ आपको 6 महीने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोज़ आने वाले हैं। आप लोग खुद देख रहे हो कि कई यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हो, कोई भी किसी भी यूट्यूबर का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग कोई भी स्पॉन्सर मार्केटिंग नहीं करते हैं, और वो यूट्यूबर सेल्फ उनको जो भी जिसको भी बताओ ये आर प्लेनेट के बारे में, उनको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ये इनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा एंड यूनिक लग रहा है। यूट्यूबर्स भी यहाँ पर जिनको भी पता चल रहा है इसके बारे में, तो वो बिल्कुल फ्री के अंदर वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उन खुद को भी बेनिफिट होगा, वो अगर खुद इन्वेस्ट करेंगे और अगर कम्युनिटी भी उसके अंदर इन्वेस्ट करती है तो डेफिनेटली उनको भी अच्छा प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि यहाँ पर एक दिन में आपका डबल हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से हम भी यहाँ पर मिलकर अगर इस पूल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर पर मंथ एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, और अगर इसका प्राइस ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी अच्छा एंड बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। साथ ही साथ अभी डाउन मार्केट है, जहाँ पर आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आपने कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट किया तो वो ऑलमोस्ट 60-70% डाउन हो चुका है। अगर सेम यही चीज़ आपने सपोज कीजिए कि आपने 100 WRX कॉइन बाय किया $100 से, ठीक है, $100 का आपने इन्वेस्ट किया, आपने 100 WRX कॉइन बाय कर लिया, कल ने WRX कॉइन का प्राइस अगर 0.5 आता है तो आपके पास 100 कॉइन का प्राइस जो टोटल रहेगा आप $50 ही बनेगा। बट इसकी जगह आपने जो माइनिंग के अंदर लगा रखा होगा तो उसका क्या होगा, कहीं इसकी आपकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती रहेगी। आपकी 100 WRX कॉइन आपने बाइनेंस पे रखे तो उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, वो 100 ही रहेगी, चाहे प्राइस $200 भी चला जाए, प्राइस 0 भी हो जाए तो वो 100 ही रहने वाला है। बट यहाँ पर क्या होगा, अगर मार्केट डाउन है तो आपकी जो ईथर की क्वांटिटी वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। सपोज कीजिए 10 लाख है, अगले महीने आपको 15 लाख हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी, इस तरह से आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। और जब भी मार्केट अगर डाउन आता है, अगर मार्केट अप जाएगा तो आपके पास बड़ी क्वांटिटी रहेगी, तो आप डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि मार्केट अगर सही नहीं है और आपको पैसों की नीड है, तो मंथली बेस पे आपको तो आना ही आना, फिक्स होगा वो तो, कि आपको ये इधर इतने मिलने ही मिलने हैं, तो वो तो डेफिनेटली आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे नेक्स्ट मंथ, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है कि मैं ज़्यादा कॉइन्स को होल्ड नहीं करूँ, 50% 60% कॉइन को होल्ड करके अगर आपको डाउन में कोई कॉइन मिलता है तो वो बाय कर सकते हैं, अपने घर में यूज़ के लिए कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो डेफिनेटली आप लोग इसको ज़रूर से लाइक करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर, और पूल के जो कंडीशंस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, और जो भी डाटा रहेगा वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। और आपको वैक्स के प्राइस के अंदर भी बता दूं कि आने वाले टाइम के अंदर अच्छा मोमेंट आ सकता है, बट ये सारी चीज़ें फिक्स होगी। अगर आप यहाँ पे वैक्स 100 वैक्स बाय करते हो तो आपको 100 वैक्स ही रहने वाले, बट अगर आप इस पूल के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपके जो क्वांटिटी है कॉइन्स की वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी, चाहे मार्केट ऊपर हो जाए चाहे नीचे हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज। तो यहाँ पे आप पूल क्यों ज्वाइन करें, आप सेल्फ भी बाय कर सकते हो, हमने कई वीडियोज़ भी दिए कि आप सेल्फ भी खुद भी बाय कर लो रिक्स और आप उस पर इन्वेस्ट कर लो। तो अभी जो पूल क्यों बना है, मेन रीज़न इसका पूल का क्या है, तो वो आपको एडवांटेज जानने बहुत ज़रूरी है बिफोर एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि अगर आप मार्केट से बाय करते हैं, एटॉमिक हब से बाय करते हैं, तो वहाँ पे 12-20% तक का आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि मैंने जो रिसेंट के अंदर वीडियो था उसके अंदर सारे के सारे प्रूफ्स बताए थे कि किस तरह से ये चार्जेस लगते हैं। बट जो हम बाय करेंगे वो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन बाय करेंगे, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। आप भी कर सकते हैं ये चीज़ें, बट जो न्यू ट्रेडर हैं उनको नहीं पता, यहाँ पर कई सारी स्कैमिंग होती है। हम खुद पर्सनल के पूल के अंदर जो हमारे माइनिंग की रिक्स बाय कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं वेल से, तो वो काफ़ी सस्ते के अंदर मिल जाती है। वो लोग क्या करते हैं कि क्राफ्टिंग करते रहते हैं सारे दिन, तो एथर बाय करते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं, और जो एलिमेंट होते हैं वो सेल करते हैं, तो उनको फटाफट सेल करना पड़ता, बट वो लोग बड़ी क्वांटिटी के अंदर सेल करते हैं, छोटा मोटा जैसे $50, $100, $200 या $500 के सेल नहीं करते, वो $1000 के अंदर क्विकली वहाँ पर बल्क के अंदर सेल करते हैं, तो वो काफ़ी चीप के अंदर अपने को मिल जाते हैं, तो उसके अंदर फीस भी नहीं देनी पड़ती। और साथ ही साथ अगर आप जो बाय करते हो लार्ज अमाउंट के अंदर बल्क में, तो आपको वहाँ पर काफ़ी सस्ते भी पड़ जाते हैं कंपेयर टू आपको एटॉमिक हब। तो यहाँ पर स्मॉल, अगर आप स्मॉल रिक के अंदर इन्वेस्ट करते हो लाइक 150 की 200 की, तो वहाँ पर आपको अगर आप टोटल मिलाओगे, आपके पास 5-6 रिक करोगे, तो उसका कॉस्ट कंपेयर टू जो लार्ज रिक्स हैं एलिमेंट्स हैं उसके कंपेयर में उसका कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ने वाला है। आपको सबसे बड़ा
बेनिफिट, इसके अंदर मेन जो बेनिफिट है चार्जेस के अलावा भी अगर मेन बेनिफिट की बात करें तो कंपाउंडिंग है। सपोज कीजिए आप $100 लगाओगे तो $100 में आप कंपाउंडिंग करोगे तो अगर आपको कंपाउंडिंग करनी है तो आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, बट पूल के अंदर सीधा सीधा हर 5 दिन से यहाँ पर कंपाउंडिंग होगी और कंटिन्यूसली पावर बढ़ती जाएगी। सपोज कीजिए जिस दिन पूल के अंदर इन्वेस्टमेंट बंद किया और पूल को यहाँ पर सपोज कीजिए लॉक हो गया कि अभी $10,000 पे लॉक हो गया, सपोज कीजिए यहाँ पर $10,000 आ गए और हमने बंद कर दिया कि बस इतना ही पूल रखना है, अभी जिस जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन उनको रिटर्न मिलता रहेगा। तो जब पूल क्लोज किया उसके बाद में जैसे ही 5 दिन होंगे, 5 दिन की माइनिंग हुई और 5 दिन में तुरंत हम दूसरे रिक्स बाय करके उसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से पूल के अंदर बड़ा बड़ा इन्वेस्ट आता रहेगा तो पूल की जो माइनिंग पावर है फर्स्ट डे अगर 1 लाख एथर पर आवर रहती है तो जो 5 दिन बाद में 1,05,000-10,000 बढ़ सकती है। तो ऐसे कर करके यहाँ पर कंपाउंडिंग बहुत फास्ट तरीके से बढ़ जाएगी और यहाँ पर आने वाले अगर फ्यूचर के अंदर 6-7 महीने में बहुत बड़ा अमाउंट आप लोगों को मिल सकता है और एक फिक्स पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। आपको बार बार जाके क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल सा मंथली बेस पे आपको मंथली जैसे कि 1 तारीख को पैसिव इनकम आनी तो वो आपके वैलेट में पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी जो ट्रीम एंड कंडीशन है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट होगा पेमेंट वो सिर्फ और सिर्फ आपको एथर के अंदर ही करना है। एथर बाय करने का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको सबसे पहले वैक्स को बाय करना है। वैक्स को बाय करने के लिए आप होबी या कोकोइन का यूज़ कर सकते हैं, इसके ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे हैं। उसके बाद में आपको उस वैक्स को अपने वैक्स वैलेट के अंदर डालना है, वैक्स क्लाउड वैलेट के अंदर आपका जो वैक्स का ये एड्रेस होता है उसमें डालने के बाद आपको एल्कोर एक्सचेंज में जाना है और अपने वैलेट को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको एथर टू वैक्स के पेयर में जाके आपको ए ईथर को बाय करना है, ठीक है। ए ईथर को बाय करके ए ईथर भेजना है किसी भी एक्सचेंज, कोई अदर तो एक्सचेंज है नहीं, आप यहाँ से भी डायरेक्ट भेज सकते हो। तो आप लोग अपने जो अभी मैं वैलेट कनेक्ट कर देता हूँ आप लोगों के सामने, वैलेट कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा आपको परमिशन देनी होती है, ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा मैं यहाँ पे परमिशन देता हूँ। तो देखिए ये अगर आपको यहाँ पर बाय करना तो सिंपल सा यहाँ पे बाय पे क्लिक करना, ये जो सेल ऑर्डर लगे हो यहाँ पे करके आप बाय कर सकते हैं। तो बाय करने के लिए आपको जो मिनिमम क्वांटिटी रहेगी पूल के अंदर वो 10 लाख एथर होने चाहिए आपके पास, तभी आप लोग यहाँ पे पार्ट लेना। तो जो 10,000 एथर होंगे अगर USDT के अंदर वैल्यू करें तो यहाँ पे 773 वाक्स होंगे, तो 773 वाक्स की अगर अपन वैल्यू देखें तो सिर्फ और सिर्फ $97 बनती है। तो अगर प्राइस ऊपर नीचे करें तो $90 से $100 के बीच का ही इन्वेस्टमेंट है और वो जो मिनिमम है वो 10 लाख एथर होने चाहिए। आपको एथर ही भेजना है, वैक्स अगर भेज दिया तो आपको रिफंड नहीं मिलने वाला, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको क्लियर बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एथर भेजना है। अगर हम वैक्स के अंदर भी ट्राई कर रहे थे पेमेंट लेने की, बट वैक्स के अंदर नहीं बैठता क्योंकि जो रिटर्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ एथर के अंदर ही होगा, क्योंकि हमें माइनिंग से सिर्फ और सिर्फ एथर ही मिलेगा। तो उसके अंदर कैलकुलेशन में कभी भी किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फुली ट्रांसपेरेंट रहेगा सारी की सारी चीज़ें। अगर वैक्स में करते तो उस वैक्स को किस प्राइस में हम सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती थी। तो एथर में आपको पेमेंट करना और रिटर्न भी आपको एथर में मिलेगा, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल से आपको एथर बाय करने हैं और जो एथर है आप डायरेक्टली वैलेट पर क्लिक करके आपको एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, डायरेक्ट यहाँ से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं सेंड तो आप वैक्स वैलेट में जाके यहाँ पर आपको टोकन शो हो जाएंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जो कंडीशन है वो चीज़ हो गई, आपको जो माइनिंग रिवार्ड है वो जो मंथली बेस पे आपको एथर के अंदर ही मिलने वाले हैं। जो फर्स्ट के 30 से 45 दिन रहने वाले हैं बेस्ड ऑन करंट प्राइस क्या रहता, अगर कोई बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता तो हम तो ट्राई करेंगे आप लोगों को जल्दी से जल्दी टोकन्स मिल जाए तो जल्दी से जल्दी माइनिंग करके आपको टोकन्स देंगे, बट अगर बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं होता है और प्राइस इसी प्राइस के आसपास रहता तो हम ट्राई करेंगे कि 30 के बजाय 45 दिन तक कंपाउंडिंग करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो पावर है अपने पास पूल के अंदर पावर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, जैसे कि माइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो एथर की। तो फर्स्ट के 30 दिन अपने कंपाउंडिंग के लिए रहेंगे सिर्फ और सिर्फ, जहाँ पर हम कंटिन्यूसली हर 5 दिन के अंदर अंदर जो भी माइनिंग हुआ उसको सेल किया और तुरंत रिग बाय करके पावर बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में 45वें दिन से अपन स्टार्ट कर देंगे भेजना। तो 45वें दिन से हम ट्राई करेंगे आप लोगों को एवरी 15 दिन के अंदर सेंड करने की, अगर 15 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं होता और प्राइस यहाँ पे ज़्यादा डाउन नहीं रहता है तो आप लोगों को 30 दिन के अंदर अंदर मतलब कि मंथली बेस पे हम यहाँ पे कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे आपको देते रहेंगे, आपके जो फीडबैक रहेंगे कि आपको 15 दिन में चाहिए या 30 दिन में, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यूसली आपको सेंड करते रहेंगे। एक बार आपने एथर भेज दिया तो यहाँ पे कोई भी रिफंड प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि अगर हम रिफंड करते तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का रिफंड नहीं होने वाला, आप सोच समझ के ही यहाँ पे एथर सेंड करना।
इसके बाद में जो एडमिन एंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं वो यहाँ पे 15% रहने वाले हैं। अब आप लोग यही बोलोगे कि 15% चार्ज क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारा का सारा टोटली मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए टेलीग्राम चैनल बनाना पड़ेगा, आपको सारी की सारी फाइल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमने कहाँ पर कौन सी रिस्क बाय की है और आपको क्या क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं सारी चीज़ें। और उसके बाद में अगर यहाँ पे 500 लोग भी आते हैं तो 500 लोगों को यहाँ पे सेंड करने में भी पूरा मैनेजमेंट चाहिए होता है। एक तो बंदा कर नहीं पाएगा ना, अगर सेंड करना 1 तारीख को तो 1 तारीख को ही सबको सेंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए पूरा मैनेजमेंट टीम चाहिए होती है। तो टीम के लिए चार्जेस तो डेफिनेटली हमें भी उनको पे करने पड़ेंगे, वो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग फ्री के अंदर काम कर लेंगे। तो पूरा मैनेजमेंट एंड जो एडमिन चार्जेस है वो 15% जो भी पूल शेयर होगा जब भी सेंड करेंगे उसके पहले आपको 15% चार्ज टोटल पूल में से 15% कट जाएगा। उसके बाद में जो भी रहेंगे पूल के अंदर एथर वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। वो टोटल चीज़ें A to Z चीज़ें आप जाके वैक्स ब्लॉकचेन पे चेक कर सकते हैं। ये जैसे मेरा पर्सनल वैलेट है तो यहाँ पर मेरे वैलेट के अंदर कितने वैक्स पड़े हैं, अवेलेबल वैक्स आपको शो हो जाएंगे और आपके ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा सारी चीज़ें आपको पब्लिक ब्लॉकचेन पे मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अपने वैलेट से क्या क्या क्लेम किया सारी चीज़ें, जैसे मैंने क्राफ्टिंग किया, यहाँ पर मैंने क्लेम किया रिवार्ड, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ में मिल जाएगी। तो देखिए अभी आप ऊपर वाले ही ट्रांजेक्शन देखें तो जैसे आर प्लेनेट से मैंने यहाँ पर वैक्सॉन यहाँ पर रिसीव हुए हैं, मैंने क्लेम किए तो सिंपल से आपको आर प्लेनेट से। तो अगर आपको ट्रांजेक्शन आईडी लेनी है तो आपको ट्रांजेक्शन आईडी पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, जैसे एक आप 10 लाख यहाँ पे ईथर भेजोगे तो आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी, वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, ब्लॉक नंबर आप ये सारी जैसे ही आप भेजो तो आप नोट करके रख लो। हमें आपकी कोई भी डिटेल नहीं चाहिए, आप लोग सिंपल से आपको इस एड्रेस पर भेज देना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हम डायरेक्ट पब्लिक ग्रुप के अंदर ही एक लिंक देंगे, जो जो लोगों ने यहाँ पे पूल ज्वाइन किया वो लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको कंटिन्यूसली अपडेट मिलती रहेगी। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर जिस भी वैलेट से भेजेंगे वो वैलेट यहाँ पर पब्लिक ब्लॉकचेन पे रहेगा, तो उस एड्रेस पे हम उस एड्रेस को नोट कर लेंगे और जैसे ही पूल यहाँ पे पूल के अंदर जो भी अमाउंट आना है वो आ जाएगा, उसके बाद में सारे के सारे एक फाइल बन जाएगी कि किन लोगों ने कितना भेजा, कब भेजा और किस डेट पे भेजा, क्या ट्रांजेक्शन आई डी, वो सारी की सारी डिटेल आपको एक फाइल के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो इस तरह से आपको सारी की सारी पब्लिक ब्लॉकचेन पे मिल जाएगी सारी की सारी चीज़ें। जैसे कि आप भेजोगे हम उस एथर को सेल करके वैक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर वैक्स से हम लोग रिक्स को बाय करेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे कि आप लोग जो रिक्स हैं बाय करेंगे सारी चीज़ें आपको पब्लिक ब्लॉकचेन पे मिल जाएगी, हमने कितने में कौन सी रिक्स बाय की, ये सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पे पब्लिक ब्लॉकचेन पे अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ सारी की सारी चीज़ें, मैंने रिसेंट में कोई रिक्स बाय नहीं की है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको वैसे सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे वैक्स आपने सेंड किया तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पब्लिक ब्लॉकचेन पे मिल जाएगी, हम आपको बता भी देंगे सारी चीज़ें। तो आपको अगर चेक करना हो तो wax.blocks.io पे जाके आप ये जो एड्रेस है ये वाला पूल का एड्रेस ये डाल के चेकआउट कर लीजिएगा। अभी तो पूल में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद में हम टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाले सेपरेट, जहाँ पर टोटली सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पूल के रिगार्डिंग मिलती रहेगी वहाँ पर, तो आप लोग डेफिनेटली पूरी तरह से हम अपडेटेड रखेंगे आप लोगों को। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होने वाली है, आपको पूल के अंदर इस तरह से इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करो अपने रिस्क पे करना, कि जो कि एथर आपको रिटर्न में मिलने वाला है और आप हमें एथर बाय करके ही पूल के अंदर डाल रहे हो, एथर का प्राइस कोई श्योरिटी नहीं है। हम काफ़ी होप रख रहे हैं कि ट्रिलियम से भी ऊपर जाएगा, बट उसमें टाइम भी लग सकता है 5 महीने 6 महीने, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा है, बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये लोग ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारी चीज़ें कर देंगे, यहाँ पर जो गेम होते हैं काफ़ी हाई लेवल के ब्लॉकचेन बेस्ड गेम रहते हैं तो उनमें टाइम भी लग सकता है गेम रिलीज होने में, तो थोड़ा टाइम भी आपको लग सकता है। तो आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना, ऐसा नहीं कि आप आज इन्वेस्ट करो कल बोलो कि मेरे को तो एथर का प्राइस ड्रॉप हो गया, वो चीज़ें आपको नहीं करनी। आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब नॉलेज है और जो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मैनेजमेंट करके चलना, आप इतना ही इन्वेस्ट करना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि प्राइस का कोई भी सियोरिटी नहीं होता। हमने भी पर्सनली मेरा भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ, कई लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा सेल भी, तो वहाँ पर आपको यही मैनेजमेंट आपको खुद को करना है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एथर का प्राइस यहाँ से 100x भी हो सकता है और यहाँ से 50% डंप भी हो सकता है, उसको आपको पूरा का पूरा मैनेजमेंट करके चलना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्ट करना है। ये क्लियर कट और साफ, बिल्कुल साफ यहाँ पे डिस्क्लेमर है, उसके बाद ही आप सारी चीज़ें करना, आप पूरा रिक्स आपको ही मैनेज करना है। बाकी आपको सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ में टेलीग्राम पे अपडेट मिलती रहेगी। और अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कि हमारी पावर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टोटल पूल की पावर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख एथर पर आवर माइनिंग हो जाती है,
तो यहाँ पर हमें कितनी अर्निंग होगी मंथली बेस पे, तो यहाँ पे 34,000 पूरी टोटल पूल की अर्निंग होने वाली पर मंथ। तो आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अगर स्मॉल अमाउंट से भी करना चाहते, ज़्यादा अमाउंट नहीं, $90 से $100 है वो भी आप कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है वैसे। तो आप लोग अपने रिस्क अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके ही चलना, और यहाँ पर आपको मंथली बेस पर अच्छी इनकम जनरेट होगी, लाइफ टाइम होने वाली है। और अगर जैसे ही पूल क्लोज होगा तो भी उसमें बड़ा आपको जो भी इन्वेस्ट किया वो भी आपको मिलने वाला, ऐसा नहीं है कि जब पूल क्लोज होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब भी पूल क्लोज होगा। वैसे पूल क्लोज नहीं करेंगे कंटिन्यूसली, अपने को अच्छी अर्निंग होती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली एक मंथली पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी आपकी, और हमें काफ़ी होप है कि यहाँ से हम बड़ा रिटर्न पाएंगे। और उसके बाद में जैसे जैसे आपको ईथर मिले वो आप पे डिपेंड है कि आप मार्केट के अंदर सेल करोगे या फिर आप उसको होल्ड करना चाहोगे, वो करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। और जैसे ही अपनी कंपाउंडिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद में, अगर हम जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एवरी 30 दिन में, और कल ने 12-13 दिन हुए हैं पूरे कंपाउंडिंग खत्म हुए हैं, और 15 दिन बाद में एकदम से ईथर का प्राइस 2x 3x हो गया, तो हम ट्राई करेंगे कि उसी दिन आपको तुरंतली जो ईथर है, जो भी आपके माइन हुए हैं ईथर, वो आपको सेंड कर दे। ऐसा नहीं कि हम ये बोल के भाई पूरे 30 दिन होंगे तो ही सेंड करेंगे, अगर प्राइस में अच्छी ग्रोथ आती तो हम तुरंतली टीम एक्टिव हो जाएगी और तुरंतली आप लोगों को जो भी माइन हुआ उसका जो भी आपको परसेंटेज मिलना चाहिए वो आपको तुरंतली आपके वैलेट के अंदर सेंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर। बट आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको खुद को मैनेज करके ही चलना है, उस हिसाब से ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना। बाकी हमारी तरफ से पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारी की सारी कंटिन्यूसली अपडेट देते रहेंगे, और साथ ही साथ पब्लिक ब्लॉकचेन पे आपको ये सारा का सारा डाटा मिल जाएगा। और फीस की बात रही तो फीस आप एटॉमिक हब पे भी सीधा का सीधा आप 20% दे रहे हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ 15% यहाँ पे एडमिन चार्ज ले रहे हैं। उसके बाद में बल्क के अंदर बाय कर रहे हैं, जहाँ पर आपको सस्ता भी मिल रहा है काफ़ी चीप प्राइस के अंदर भी, ये जो रिक्स हैं एलिमेंट्स हैं ये मिल जाएंगे। तो चारों तरफ से एट द एंड जाके आपको बेनिफिट ही होने वाला है। तो आप लोग डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।